ये है ना, तो ये थोड़ा सा एक मिमिक्री हो जाए। ये क्या बोल दिया बाबा? देखिए अभी मैं पहली बार ये रियलिटी शो जज जज नहीं आज हूँ, क्या मैं बात होस्टिंग कर रही है। हूँ, पहली बार कर रही हूँ एंकरिंग, और थोड़ी नर्वस हूँ. लेकिन मैंने ना रियलिटी शोज को बहुत ऑब्जर्व किया है, और मैंने देखा है कि हमारे रियलिटी शोज के जजेस जो होते हैं ना जय, वो बिल्कुल। अपने अपने अंदाज में कैसे कैसे कमेंट्स देते हैं. हाँ, जैसे मिथुन दा हो गए, क्या बात क्या बात क्या बात, वो बात क्या है आज तक किसी को पता ही नहीं चला, मतलब क्या बात है यार. और हमारे इंडियन आइडल में ले लीजिए, सोनी टीवी पर इंडियन आइडल आता है, उसमें बिल्कुल। अनु मलिक जी हैं. अब उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी ना, मानसून में होती है रेन, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग, मानसून में होती है रेन और पटरी पर चलती है ट्रेन, भाई को राखी बांधती है बेन, इस फुलान परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 11,111 रुपए की देन. थैंक यू. अब बाजू में फराह खान जी बैठी हैं. ओ गॉड अनु, यू हैव नो ब्रेन अनु, जस्ट स्टॉप इट अनु, जस्ट स्टॉप इट. अनु यार आज के जमाने में 11,000 रुपए में किसका क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट अनु, दिस इज वेरी स्टूपिड यार. ठीक है, मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी, सभी मेंबर्स को, सभी कंटेस्टेंट को मेरी तरफ से 500-500 के नोट, वो भी पुराने वाले. तुम्हारी परफॉर्मेंस कौन सी नहीं थी. ये होते हैं हमारे जजेस. और कभी कभी ना रियलिटी शोज में ना हाँ जय एक कोई महागुरु को बुलाया जाता है, जैसे कभी सिंगिंग रियलिटी शो में जैसे आशा जी आ गई, तो वो कैसे बोलेंगी, ये क्या गाया तुमने, क्या गाया, बहुत अच्छा गाया. देखो तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई, जैसे किशोर दा, बर्मन साहब, दीदी, हम रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था. और फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज ग्रैंड फिनाले है, तुमने मुझे कितने कितनों की याद दिलाई, बेटा तुम्हारा नाम क्या है जरा याद दिलाना. ये है हमारे जजेस. कमाल है यार, कमाल है। तालियां हो जाए यार, थैंक जब यू, सब थैंक यू एंजॉय कर सो रहे हो मच. तो थोड़ा तालियां भी हो जाए। और भाई जब कलाकारी की बात हम कर रहे हैं जी तो यू नो आपको कैसे हो रवीना जी? और राइट, आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले मैं तीनों जजेस से जानना चाहूंगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यू नो, ये शो को जज करते हुए, और कैसे कैसे बच्चों से आपको मिलने का मौका मिला, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आप कुछ सीखे बच्चों से, एनीथिंग? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं। खूबसूरत बात यह है कि यू नो, पहले ये होता था कि एक गिने चुने कुछ एक्टर्स होते थे, चाइल्ड आर्टिस्ट, जो उभर के आते थे और जो फिल्मों में हुआ करते थे। आई मीन आई कुड नेम सम, जैसे डेजी रानी हुआ करती थी, फिर बाद में उसके बाद मुझे दर्शील सफारी एंड देन मासूम में जुगल, ये कुछ लोग थे जो दे हु स्टूड आउट उस वक्त। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि हमारे पास 10 बच्चे हैं जो इन सब की तरह हैं। आज हमारे पास 10 डेजी रानी हैं, वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग एक्टर्स। कई सारे थे, उन सब में से छांट के ये 10 मिले हैं, और इनके साथ एक गुरु है। आई थिंक एक्सपीरियंस, हमारा मुसीबत हमको तब होती है जब हमें ना कहना पड़ता है, जो हम अक्सर रवीना पे थोप देते हैं। तो यस, इट्स बीन अ डैम गुड एक्सपीरियंस हमारे लिए भी, और आई होप बच्चों के लिए भी। बबन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आशीष सर ने कहा था कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे सुपर डांसर में उन्होंने किया था गुरु एंड शिष्य के बीच में वो जो जोड़ी, तो जजिंग के वक्त मैं जानना चाहता हूँ कि जब गुरु जब यहाँ पर बैठे थे, आपको हेल्प होती थी उससे, यू नो, सिलेक्शन में कभी आप उनसे पूछ कर, यू नो, ऐसे आपके माइंड चेंज हुए होंगे कि नहीं ये लड़का, यू नो, आपके लिए कुछ सोच और थी, और शायद आफ्टर देयर कमेंट्स आपने थॉट चेंज कर लिया हो कुछ? पहले तो मैं कहूंगा कि जो गुरुज है हमारे, खुद वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स, एनएसडी ग्रेजुएट्स विद ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज, और एलिमिनेशन राउंड के वक्त हम लोग पूछते थे आपको क्या लगता है कि वुड यू वांट टू पेयर अप विद दिस चाइल्ड, आप इनके गुरु बनना चाहेंगे? तो बहुत सारे गुरु बोलते हैं मुझे कुछ दिख रहा है इस बच्चे में, शायद हमें लगता था कि बॉर्डर लाइन केस है, तो नहीं, आई वी फील देयर समथिंग गुड, तो वी वुड टेक देयर ओपिनियन। व्हाट आई फाइंड वेरी एक्साइटिंग इज कि एलिमिनेशन राउंड्स में और ऑडिशंस के वक्त बहुत सारे बच्चे देखने मिले, 64, वी सो 64 किड्स ऑन द स्टेज, एंड वी नैरोड डाउन टू 24, एंड फ्रॉम 24 वी नैरोड डाउन टू 10। दे वर ग्रेट परफॉर्मेंसेस,
From 64, they were almost all good performances. It was very difficult. And the 10 were exceptional, no question. Then हमने सोचा कि क्या होगा? कल से जो हम दो एपिसोड जो शूट किए, इतना फर्क आया है बच्चों में. मतलब एक ही सेशन के ट्रेनिंग में इतना फर्क आया है. एंड आई थिंक कि वही इस शो की खासियत है कि गुरु शिष्य का जो जो पेयरिंग जो हुआ है कि बच्चे ये शो में जीते या न जीते, मैं हार नहीं बोलूँगा, नहीं जीते या एलिमिनेट हुए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But they will learn something and they will go back and for the rest of their lives they will learn something that they can remember, not just as actors or dancers or performers, but agar wo kuch bhi kaam kare zindagi mein, technology mein chale jaye ya doctor bane, they can apply theatrical learning because usme ek discipline hoti hai and the gurus are supplying that. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि बच्चे जब आते थे तो उनका तो मकसद होता था शो में पार्टिसिपेट करने का, यू नो, सिलेक्ट होने का. लेकिन उनके जो उन सब के जो पापा थे उनके एक अलग ही मकसद रहते थे और वो थी कि रवीना जी के साथ तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पे डांस करना. सो मैं रवीना जी आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा था जब यू नो क्या कहते हैं उनकी बीवियों के सामने ही पापा जब पूछते थे कि एक गाना हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, कैसे टैकल कर? आपको ये सवाल अनिल से पूछना चाहिए, उसको कैसा लगा? आई थिंक एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है एक आर्टिस्ट को कि लोग याद रखते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस और जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ थोड़ा एक दो स्टेप्स कर लीजिए. तो आई थिंक ये एक उनकी लाइफ में मोमेंट है और जिसके लिए शायद हम सब आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुँचते हैं. तो आई थिंक ये एक कॉम्प्लीमेंट ही है, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर दे रहे हैं वो एक आर्टिस्ट के हार्डवर्क और मेहनत की. 100% एंड आई थिंक हम सब के लिए ऐसे मोमेंट्स आए हैं और जो मम्मियाँ थी वो अरशद जी के लिए और पवन जी के लिए रिक्वेस्ट करती थी फॉर डांसेस, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था. उसमें आप मुझे पूछो कैसे लगता था मुझे, बिल्कुल बताइए. आई वॉज वेरी जेलस, यू नो, आस्किंग टू डांस विद माई बॉयज इन फ्रंट ऑफ मी, आई वॉज वेरी जेलस बाबा. ओहो क्या बात, तो सोचो हम पे क्या बीतती होगी. और देन थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू सो मच आशीष सर. अब मैं हमारे प्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. सिर्फ अर्शद और बमन से पूछ सकते हैं. ऑल राइट, सो हम सीधा एक काम करते हैं. मुझे मालूम है पर्सनली आप सब चाहते हैं वन ऑन वन हमारे जजेस से मिलना और बातें करना. सो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे एंड द स्टेज इज़ योर्स. सो आप आइए और इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे जजेस के साथ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे बड़ा कलाकार के लिए. तो Thank आप लोगों से जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी एज थी जब आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार बनना है. लेडीज फर्स्ट. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था. मैं तो सब जानते मेरी हिस्ट्री, मैं तो इस इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट, तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. तो मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं स्टार बनूँ. तो मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ कि 4 साल की उम्र 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं. 5 साल की उम्र में तो शायद मुझे नाम भी लिखना नहीं आता था, जो ये 5-5 पेजेस के डायलॉग सीख देते हैं, डांसिंग भी कर लेते हैं, इमोशंस भी कर लेते हैं. आई थिंक दे आर फैंटास्टिक. अर्शद जी बोलो क्या. मैं मुझे रियलाइज़ हुआ था 29 ईयर्स का था मैं तो. अच्छा. तो नहीं मेरा मेरी कहानी तकरीबन रवीना जैसी है. मैं कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं फिल्म का, आई थिंक वो इत्तेफाक से आ गए इंडस्ट्री में. तो वो रियलाइजेशन नहीं था यार वो के एक्टर बनना है, मैंने कभी सोचा नहीं था उसके बारे में. बट मेरा हमेशा मानना एक तरीके से ये है कि जो कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं ना कहीं पे, यस टैलेंट भी एक चीज़ होती है, देन आई वुड से देयर अ थिंग कॉल्ड गिफ्ट. ये जो बच्चे हैं ना ये टैलेंटेड नहीं, ये गिफ्टेड है. क्योंकि 4 साल और 5 साल की उम्र में ये करना, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है.
I mean, टैलेंट से आप चार साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते. या तो उनमें वो गिफ्ट है ये सीखने का, या तो ये गिफ्ट नहीं है सीखने का. तो आई थिंक ये बच्चे जो है ना, ये ऊपर वाले ने बड़े प्यार से इनको बनाया है. मेरे ख्याल से वो जज करना तो मुश्किल होता ही है, इनको ना कहना बहुत मुश्किल होता है. और थैंक्स टू रवीना, हम लोग जब फंस जाते हैं तो फिर हम लोग रवीना को पकड़ लेते हैं, प्लीज टू हेल्प कर यार. बट बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, बिकॉज सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से बहुत टैलेंटेड. एज आई सेड, दे आर गिफ्टेड. मैं एक्टर बनना चाहता था. मुझे लगता है मैं मेरी माँ के पेट में था तब से ही एक्टर बनना चाहता था. तब से ही मैं पिक्चर देखना शुरू कर दिया था, मुझे ऐसा लगता है सचमुच. लेकिन मैं थोड़ा जन्म होने के बाद मैं थोड़ा स्लो था, इसलिए स्लो होते 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 44 की उम्र में एक्टर बना. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट डिज़ायर तो हमेशा था. अगर एक्टिंग नहीं तो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना, मतलब एक शौक था, एक डिज़ायर था, एक बहुत ही एम्बिशन था. लेकिन आई गॉट इनटू मेनी अदर थिंग्स, फिर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक्टर तो बने. रवीना जी का क्रेज था आपके? रवीना जी का क्रेज जी, जब आप उनको मतलब फिल्मों में देखते थे, उनकी बड़े मियां छोटे मियां फिल्म, इस तरह की फिल्में देखते थे? अभी मैं हाँ बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मैं ना बोलूंगा तो रवीना बोलिए क्यों नहीं, और हाँ बोलूंगा अच्छा. जो आपके दिल में, रवीना जी का भी कहना, जो आपके दिल में. किसका क्रेज नहीं था, आपका क्रेज नहीं था, तो फिर मैं क्यों अलग? नहीं, ऐसे पूछा. नो, वी ऑल लव्ड रवीना जब भी स्क्रीन पे आती थी. एंड इट वाज, तब तक मेरी, मुझे लगता है मेरी शादी हो गई थी, तो आई वाज वेरी डीपली इन लव. सो यू नो, सो मे बी. क्यों ऐसे सवाल पूछते हो? ओके रवीना जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ में आप लोगों ने कितना फ़न किया. जो भी हमने एवी या सीडी में हमने देखा, बहुत ही फ़न किया. हमने देखा कि आप सिक्योरिटी को बुला रहे हैं, आप लोग फ़न कर रहे हैं, कितना एंजॉय था? देखिए, जैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं. लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप लोगों ने तो देखा ही. एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है. तो इट्स बीन अ ग्रेट ग्रेट जर्नी, एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग यू नो दिस शो विद देम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है. हम सब तो आपने देखा ही है कितना इन्जॉय कर रहे हैं. तो उनकी वही मासूमियत और वही इनसेंस जो है वो छू जाती है दिल को. सो इट्स बीन वंडरफुल. और आपकी फिल्म भी आ रही है, और आप यहाँ पे भी बिजी रहने वाले हैं, तो मतलब जी कैसे मेंटेन करते हैं आप घर वालों के लिए भी टाइम, और यहाँ भी और फिल्म भी, कैसे सब कुछ करने? मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ. मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर. हम पूछना चाहेंगे बबन से कि फर्स्ट टाइम टेलीविजन रियलिटी शो जज, तो कुछ आई थिंक मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बरसों से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन शोज. आई थिंक दे आर सच वंडरफुल जजेस, और आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हाउ दे टैकल इट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट, अच्छा लर्निंग है उनसे. लेकिन एक्चुअली मैंने आज के एपिसोड में मैंने कुछ कहा जो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम ये जॉब है हमारा, हम नौकरी पर आ रहे हैं, और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी इजी चेयर पे बैठना है, और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड, इट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स. मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है, और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं, उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू. तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है. आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल, वो दादा बन चुके हैं, तो आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहिए उनको. तो उनमें जो वो ममता है, वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है, आपको देखना चाहिए. बापता जो है वो उभर कर आ रही है. सो ही इज़ अ नेचुरल, ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कम्फर्टेबल हैं, और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं. और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के, वो बमन जी हैं. हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं. हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ.
बमन जी अर्शद आपने फिल्में भी की है साथ में पुन्ना भाई जॉली लेडी हिट फिल्म और आप कब साथ में राइट टीवी शो में फर्स्ट टाइम एक्चुअली असलियत यह है कि मैं थिएटर करने मेरा जो फर्स्ट प्ले था वो मेरी उम्र थी आई थिंक आई वॉज 35 ईयर्स ओल्ड एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट इन अ म्यूजिकल प्ले और वो प्ले के कोरियोग्राफर कौन थे पता है अरशद वारसी और अरशद वारसी मैं पीछे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था अरशद वारसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बातें कर रहे थे वो प्ले के लिए और मैं पीछे कैमराज के पीछे ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वाह कितने कैमराज ये अरशद वारसी आए ही वॉज अ वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर तेरे मेरे सपने के पहले और ही वॉज टॉकिंग यू नो वेरी कूल एंड ही वॉज सिटिंग एंड शॉर्ट्स पहने थे यू नो एंड आई रियली थिंक यू नो एंड मेरा जिक्र किया आई सेड यू नो एक एक्टर है बमन ईरानी यू शुड वॉच आउट मेरी बात कर रहा है क्या बात है आई वॉज सो टच दैट ही रिमेंबर्ड मी मेरा बहुत छोटा सा रोल था उसमें मतलब 3 मिनट का सीन था उस प्ले में सिंस देन देन वी बिकेम फ्रेंड्स एक एक्सीडेंट भी हुआ था अरशद के साथ उसने मुझे एक कार दिया था जिंदगी भर वो त्रिशूल वो त्रिशूल फेंका था वो उसको असिस्टेंट पकड़ने वाला था त्रिशूल असिस्टेंट वो कोई इश्क फरमा रहा था किसी और डांसर के साथ और टॉइंग करके यहाँ पे लगा खून की नदियाँ शुरू हो गई वहाँ से फिर हम दोस्ती हो गई और फिर तेरे मेरे सपने का जो उसको उनको जब रोल मिला था वो मेरे पास आए रूम बंद कर दिया और नीचे बैठे मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बमन आई एम गेटिंग अ रोल जया जी इज गिवन मी अ रोल इन तेरे मेरे सपने आई सेड वाओ वाओ वेरी गुड अर्शद आई एम सो हैप्पी एंड ऑल आई डिडंट नो यू क्योंकि आपको एक्टिंग करनी थी सिंह लेकिन मैंने आपका भी नाम लिया है वहाँ पे आइए ना मिलिए ना तो नहीं नहीं मुझे एक्टिंग नहीं कभी नहीं बमन ना अर्शद जी जब इतने नेचुरल थे इनको स्टेज पे मैं देखता था 3 माइंड ब्लोइंग एक परफॉर्मेंस एक 3 मिनट के अंदर पूरे जो ऑडियंस थे वो इनके कब्जे में थे और फिर वो ऑनकोर चालू हो जाता था वंस मोर मैंने कहा ये कमाल है आदमी यार तो क्या मुझे लगता था कि जब यू नो जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो ना तो वो दुनिया को देखना चाहिए क्यों एक छोटे से लोगों को मज़ा आए यू नो पूरी दुनिया को मज़ा आए तो मैं हमेशा चाहता था कि बहन फिल्म करे और इतने प्यार से उन्होंने मुझे फोर्स किया बोला नहीं मैं अभी डरा हुआ पहला प्ले किया एक स्पीकिंग लाइन भी नहीं है फिर देखो तकदीर देखिए फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 9 साल के बाद मुन्ना भाई MBBS और अरशद नहीं थे उस फिल्म में कोई और था 2 हफ्ते पहले शूटिंग होने वाली थी और नाम आया अरशद फैंटास्टिक और तकदीर देखिए कि पहला प्ले मैंने उनके साथ किया था पहली फिल्म भी मैंने उनके साथ की और पहला ये मैंने इनके साथ किया कमाल हो गया है ना और इस बात में रवीना जी गायब हो गए मुझे डेड और अलाइव दोनों कमेंट अच्छे लगते हैं अरे देखो ये है ना ये प्यार है बमन का ऑब्वियसली एंड एक दोस्ती है प्यार है एंड बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई किसी की तारीफ करता है और इज्जत अफजाई करता है बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स अच्छा लगता है चलिए जाते जाते अपने चैनल जा रहे हैं जी अब तो घर जा रहा है यार बीवी बच्चे मारेंगे नहीं मैंने एक प्रोमो दिखाया था फ़ोन पे आया था पर ट्वीट करने के लिए मेरी बीवी को मैंने दिखाया और मेरी बीवी देख के एक्चुअली रोने लग गई मैं बोला क्यों क्या हुआ कि मतलब इट वाज नॉट अ कॉमेडी मतलब इतना तो कुछ सैड नहीं था तो मैं बच्चों को देख के मुझे कुछ अच्छा सा लगा और उसकी आंखों में आंसू आए मैं बोला आई एम सो हैप्पी उन्होंने कहा कि बमन आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये शो कर रहे हैं बच्चों के साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है अगर शी इज़ हैप्पी आई एम वेरी प्राउड कि मैं बच्चों को देख के आई कैन नॉट टेल यू कभी कभी इतने गूज़बम्स आ जाते हैं आँखों में आंसू आ जाते हैं कॉमेडी में भी कभी आँखों में आंसू आते हैं कि यार बच्चे मतलब भगवान दिखाई देते हैं बच्चों में और ये हकीकत है एंड आई एम वेरी लकी कि मैं मौजूद हूँ सामने में उन लोग पेश कर रहे हैं और मैं मौजूद हूँ अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ मुझे हम सबको मुझे अच्छे एक्टर पसंद है और सम वे मुझे कहीं पे लगता है जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सदियों पहले एक डेजी ईरानी थी वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर और फिर उसके बाद मुझे जुगल हंसराज मासूम में बहुत अच्छा लगा देयर वाज समथिंग स्वीट एंड नेचुरल अबाउट हिम देन आई थॉट दर्शील सफारी वॉज वेरी गुड इन तारे मास्टर राजू यू नो व्हाट आई मीन तो ये बहुत गिने चुने बच्चे हैं आज की तारीख में जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे
एक सबसे बड़ा कलाकार एक शो आता है जहाँ पे आप आके परफॉर्म कर सकते हो और आपको गुरु भी मिलता है जो आपको सिखाएगा भी क्या है। मुझे पता है कि अगेन में ये जो बच्चे हैं, ये शो ख़त्म होने से पहले आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टीवी या फिल्म में आ चुके होंगे। आई एम 100% श्योर, बिकॉज कई बार मुझे पता है मेरे दोस्त यार फिल्म बनाते हैं और बड़ी मुसीबत होती है जब आपको एक बच्चा चुनना पड़ता है फिल्म के लिए, बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि कई मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना, बड़ों को भी चुनना बहुत मुश्किल होता है, बड़ों को चुनना मुश्किल होता है, तो बच्चे तो खैर तो बहुत मुश्किल होता है, तो गेट अ गुड चाइल्ड एक्टर। और 99% क्या होता है, एक एक डायरेक्टर को एक बच्चे के साथ जब वो शूट करता है तो उसे ही हैज़ टू वर्क अराउंड इट, मतलब उस बच्चे को कहता कुछ और है, सीन कुछ और होता है, यू नो व्हाट आई मीन, तो उसको वो उस तरह कुछ चीट करके उससे एक्टिंग करवाना पड़ता है। ये बच्चों के साथ चीटिंग करनी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बड़े समझदार है, सुलझे हुए हैं, मैच्योर्ड है, सॉर्टेड है। सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक वेरी हैप्पी, मज़ा आ रहा है इन लोगों को देखने में, परफॉर्मेंसेज इनकी देखने में, टैलेंटेड है, अच्छा लगता है देखने के लिए कि अगला जब ये अगले 10 साल में 15 साल में मुझे पता है ये लोग स्क्रीन पे होंगे और हम लोग फख्र महसूस करेंगे कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। ट्रू, कभी कभी बच्चे आते हैं ना एंट्री मारते, यहाँ से ज़्यादातर एंट्री मारते और अरशद और मैं और रवीना बैठे रहते, कभी कभी पता चल जाता है एंट्री से, उनकी चाल से, उनके कॉन्फिडेंस से, तो एक एक को देख लेते हैं हम, कुछ लग रहा है बच्चे में कुछ करेगा, फिर जुबान खुलता है पता चलता है, आवाज़ थ्रो कॉन्फिडेंस ऐसे पता चलता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बट इज द टाइम, टाइम तो देखता नहीं, कुछ नहीं देखा भाई।